हाय फ्रेंड नमस्ते, मैं कल्याणी लेकर आई हूँ एक वीडियो। आज लेकर आई हूँ एक चटपटा सा वीडियो, छोले भटूरे बहुत टेस्टी है। जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैं 2 गिलास पानी और उसमें 3 चम्मच बड़ी चम्मच चाय पत्ती उबाल लिया। अब मैं कुकर में छोले उबालूंगी। रात से मैं भिगो के रखी थी छोले, छोले को कुकर में डालूंगी और जो मैंने चाय पत्ती उबाल के रखी थी उसका पानी डाल दूंगी छान के। देखिए ये पूरा ऐसे छान के डालना है। सूखा हुआ आंवला भी डाल के कुकर को बंद करके चढ़ा दूंगी, 3 सीटी तक बॉईल करूंगी। मैंने 250 ग्राम मैदा लिया, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद है तो मिलाइए, नहीं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और 1 कटोरी में दही लूंगी, दही से बनाऊंगी आज मैं। और इसमें सोडा भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, मैंने नहीं डाला लेकिन डाल सकते हैं, अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है। और इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। थोड़ी सी मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगा, ये दही वाली कटोरी में थोड़ी पानी लेके अच्छा से गूंद लूँगी। देखिए गूंद गया, इसको मैं 1-1.5 घंटे तक रेस्ट करने दे दूँगी, दही अच्छी तरह से मिक्स्ड हो जाए। अब देखिए 3 सीटी लग गया, चना बहुत अच्छी तरह से बॉइल्ड हो गया। अब चने का पानी को छान लूँगी मैं, पानी को भी नहीं फेंकूँगी और चने को अलग से, और जो आंवला डाली थी मैं सूखा उसको सारा चुन के निकाल दूँगी। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी और 2 बड़ी इलायची डाला, उसमें 3 प्याज काट के डाला, अच्छा से प्याज को भूनूंगी और लहसुन अदरक और हरी मिर्ची मैंने पीस के डाल दिया, थोड़ा प्याज भून जाएगा। तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। हम खाने में ज़्यादातर हरी मिर्ची इस्तेमाल करते हैं, टेस्टी भी बहुत होता है। और मैंने 3 टमाटर छोटा छोटा काट के लिया, वो भी टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के साथ ही नमक डाल दूंगी, नमक से अच्छा सा बॉइल्ड हो जाता है, सोफ हो जाता है टमाटर। अब अच्छा से भून के इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी, थोड़ी मिर्ची पाउडर कलर के लिए और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल दूंगी। देखिए अच्छा से इसको भूनना है। भून के मैंने थोड़ा सा छोले मसाला डाल दूंगी, 2 टेबलस्पून डाली मैंने छोले मसाले। और अच्छा सा भून के इसको, अब मैं इसमें, मेरे छोले बहुत कम थे इस वजह से मैंने 3 आलू उबाल लिया, उसको मैश कर लिया और आलू को डाल दिया मैंने। आलू भी भून गया, अब छोले डाल दूंगी, छोले डाल के भी थोड़ा सा भूनूंगी। भून के अब मैं जो छोले का पानी बचा था ना वो डाल दूंगी। देखिए जितना तरी चाहिए आपको छोले में उतना ही डालूंगी। और देखिए थोड़ा सा उबाल लूँगी और 2 हरी मिर्ची डाल दूंगी इसमें। हरी मिर्ची का खुशबू बहुत अच्छा आता है, इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने तो डाला नहीं। मैदा मेरा रेस्ट कर लिया, 1.5 घंटा लगभग हो गया। अब देखिए बहुत सॉफ्ट हो गया, फूल गया थोड़ा सा। और अब हाथ में थोड़ी सी तेल लेके, रिफाइंड ऑयल लेके थोड़ा सा इसको फिर से गूंथ लूँगी और बराबर पेड़े बना लूँगी, जितने पेड़े होते हैं। एक पेड़ा लेके मैं तेल के इस साथ में बेलूँगी, सूखा मैदा से भी बेल सकते हैं इसको लेकिन मैं तेल से ही बेलूँगी। देखिए इतना जिस आकार का देना है, मैं थोड़ा सा अंडा जैसे बना ओवल साइज बना दे रही हूँ और गोल भी बना सकते हैं, ऐसे करके बेल दूँगी।
कि कढ़ाई में बहुत गर्म होना चाहिए तेल। उसमें भटोरे डाल के देखिए, ऐसे तेल थोड़ा ऊपर ऊपर डालने से जल्दी फूल जाता है, देखिए ऐसे करके फिर पलट देना है इसको। बहुत अच्छा बना है देखने में भी, देखिए ये भटोरे मेरा बन गया।